तो कभी भी तुम लोग अगर फतेह सागर लेक आओ तो यहाँ ऊपर साइड से जाना, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी वाड़ी नहीं आती है, मतलब ये चलने की जगह है ना, तो यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कैसे आएगी मतलब ये सब बैठने की जगह है और नीचे रोड है। तो मैं कल भी यहीं से पहले मैं नीचे से गया था और ऊपर पूरा खाली था, तो मैं सोच रहा था यार ऊपर जो पब्लिक, यहाँ पे जो पब्लिक बैठी है वो ऊपर आई कैसे है, तो फिर मैं रास्ता ढूंढते ढूंढते आगे गया, फिर उसके बाद फिर आराम से ऊपर से चलते चलते आओ और फिर यहाँ पे फुल मस्त व्यू इंजॉय करो। सो अब ये बोलने के लिए मैं कब से रुका था, गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। तो अभी वैसे ही लेट हो गया है, मतलब मेरा प्लान था 8:30 बजे उठने का और फटाफट जाने का कि 9:30 बजे तक मैं वो बोटिंग तक पहुँचूँ और सबसे पहला इंसान मैं ही हूँ बैठने का, बट वो नहीं हो पाया क्योंकि अभी 10 बज चुके हैं, अभी फटाफट निकलने का। मैं खाली सा रूफ टॉप दिखाने के लिए आया था कि सुबह में उदयपुर कैसा दिखता है, तो कुछ ऐसा दिखता है उदयपुर सुबह सुबह। और वो जो कल मैं फोर्ट की बात कर रहा था वो सज्जनगढ़ फोर्ट है, और जो मेरे को जाने का करनी माता वो साइड पर, तो वो थोड़ा गलत हो गया था। तो मैं आज सोच रहा हूँ कि वो सज्जनगढ़ है ना वैसे भी बहुत दूर है और ये करनी माता करीब है, क्योंकि ये करनी माता थोड़ा नॉर्मल रास्ते से है और वो सज्जनगढ़ बहुत दूर अजीब से रास्ते से, मतलब सब पहाड़ों में है शायद बहुत। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ पे जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बट अभी मैं वो बोटिंग करूँगा, बोटिंग करने के बाद वो सहेलियों की बाड़ी जाऊँगा, तुमसे ना हो पाएगा, फिर उसके बाद अगर हो पाया तो मैं सज्जनगढ़ जाऊंगा या तो फिर मैं ये रोपवे किधर जाऊंगा करनी माता, पता नहीं अभी उसके आगे कुछ प्लान है नहीं, बट अभी चलो फटाफट चलते क्योंकि लगे पड़े हैं 10 बज गए, क्या प्लान था और क्या हक दिया। और तो बहुत देख लिए व्यू, अभी फटाफट जो करने का है वो करेंगे। सो सबसे पहले तो खाने के लिए कुछ ढूंढने का, क्योंकि खाया नहीं मैंने सुबह से कुछ भी, सुबह से क्या अभी तो उठा हूँ क्या, सुबह से कुछ भी खाया नहीं, तो अभी खाने के लिए कुछ ढूंढने का है। वो अंडा भुर्जी है एक, वो मेरे को ट्राई करने का है, समझ नहीं आ रहा सुबह वो ट्राई करूँगा तो अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, बट फिर भी कुछ तो कुछ खा लेते, अंडे जैसा रिलेटेड ही कुछ खाते क्योंकि एटलीस्ट भूख मिटेगी। पर मैं एक चीज़ मेरे को थोड़ी ये लगी, यहाँ पे सब छोटी छोटी गलियाँ है ना, तो सब गाड़ियाँ इधर से जाती है ना, सब पौ 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 ये गधे आ रहे सामने से भाई, अरे बाप रे। तो कल मैंने जहाँ से चाउमीन खाया था मैं वहीं पे आया हूँ, वहाँ पे से अभी मेरे को कुछ देखने का है ब्रेकफास्ट के सेक्शन में। मैं सोच रहा हूँ कि ये खा लूँ छोले पराठा या तो फिर पूरी भाजी खाते हैं। हाँ मैं थोड़ा पागल सा लगूंगा बट मैंने अभी चाउमीन ऑर्डर किया, समझ रहे हो, मैंने सोचा था कि पूरी भाजी करूँ बट कल मेरे को चाउमीन इतना सही लगा ना, बट वो रहता है ना एक लत रहती है कि हाँ भाई ये अच्छा लग गया तो यही चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है जरूर, कोई ना कोई गड़बड़, तो ऐसे ही इसलिए शायद पता नहीं मेरे को सही लग गया था चाउमीन तो मैंने चाउमीन ऑर्डर कर दिया। हाँ चाउमीन नहीं है इतनी सुबह चाउमीन नहीं मिलता है, किधर नूडल्स नहीं रहा, तो अभी मैं चाय पीता हूँ और मैंने वेज फ्राइड राइस मंगाया हो। थैंक यू अंकल। चलो भाई हमने ज़रा थोड़ा दिमाग चलाया है और मैंने सोचा कि काप्स खा लेता हूँ, काप्स ज़्यादा ताकत देंगे, तो इसलिए मैंने चावल खा लिया। स्मार्ट गाय, और जैसा स्पाइसी चाहिए था अंकल ने सेम टू सेम वैसा बना के दिए, तो एकदम मज़ा आ गया खा के, मतलब देखो स्पाइसी भाई मेरे को बहुत दिल से अच्छा लगता है और अंकल ने वैसा बना के दिए, वेज था वो रेस्टोरेंट वेज है, बट मैं एक जगह ऐसी ढूंढ ही रहा था जहाँ पे मेरे को हर टाइम जाने को मिले हुए, तो अभी वो जगह तो मिल गई अपने को, तो अभी अपन खाना वाना वहीं पर खाएँगे, क्योंकि फिर ना बहुत सारी जगह जाते हैं ना, तो फिर देखो पहली बात तो पैसे बेकार चले जाएंगे, मैं गरीब हूँ अगर खाना अच्छा नहीं लगा तो, और कल रात में मैं ज़्यादा कुछ खा के सोया भी नहीं था, तो ऐसे ही मैंने नॉर्मल खाली बिस्किट खा लिया था और रात हो गई थी तो फिर कुछ मिला भी नहीं, ये इधर ये देखने आया था मैं बट ये बंद हो गया था, 10 बजे तक ही चालू होता और मैं कुछ 11:30 तक वीडियो एडिट कर रहा था, उसके बाद फिर बंद हो गया, तो फिर मैं बोला छोड़ जाने दे अभी कुछ खाते नहीं है, तो फिर मैंने कुछ खाया भी नहीं, हो गया वही, तो मैंने बोला सुबह जो उठूँगा तो मैं दबा के खाऊँगा। अभी अपन उधर जाएँगे बोटिंग करेंगे, देखेंगे अगर वो सहेलियों की बाड़ी देखने मिल गई तो वो मतलब देखूंगा, ऑब्वियसली देखूंगा ना, ऐसा एटीट्यूड भी क्यों बोल रहा, देखने मिल गई बेवकूफ़ आदमी तो इधर आया क्यों है, तो वो जाएंगे वो देखेंगे, उसके बाद फिर रिटर्न आते वक्त मैं खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद फिर एक और एक जगह पर जाएंगे, तो अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं सज्जनगढ़ जाऊँ या करनी माता जाऊँ,
तो वो थोड़ा मेरे को मेरे हिसाब से मेरे को देखना पड़ेगा। बट मेरे ख्याल से मैं इधर अगर इधर रिटर्न आऊँगा ना तो फिर मैं रिटर्न इधर से सज्जनगढ़ नहीं जाऊँगा, इधर से मैं फिर करनी माता ही जाऊँगा, क्योंकि मेरे को रोप वे पे बैठने का है। और आज दो चीज़ फुल हार्ड वाली होगी, जो कि है अपना बोटिंग और रोप वे। कोई कोई जगह इतनी चुम्मा चुम्मा आती है ना, बट साथ में कोई है नहीं तो यार फोटोज नहीं ले पाता। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, वो मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता है। अब अभी यहाँ पे एक मोड़ आता है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो वो सज्जनगढ़ फोर्ट जो मैं बोल रहा था ऊपर हाइट पे, यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो फतेह सागर लेक जहाँ पे अपने को जाने का है, और चेतक सर्कल वो है जहाँ पे वो सब खाने वाने को मिलता है ना, वो सब तो वो है वहाँ पे, बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलता है। तो फतेह सागर होने के बाद अगर मेरे को भूख लगी तो मैं यहाँ से मतलब फतेह सागर जो बोटिंग करने के बाद अगर मेरे को यहाँ पे भूख लगी तो मैं वहाँ से स्ट्रेट चले जाऊँगा और फिर सीधा वो चेतक सर्कल पे कुछ खा लेंगे, और फिर आते वक्त सहेलियों की बाड़ी। और अगर जान रही मेरे अंदर, आई थिंक मेरे अंदर जान रहेगी, क्योंकि मेरे को मालूम है मेरी कैपेबिलिटी में इतने जल्दी ये नहीं होने वाला हूँ, क्योंकि वैसे भी इधर पे ठंडी बहुत है, पसीना वसीना आता नहीं है, तो उतना एग्जॉस्ट भी नहीं हो रहा हूँ मैं, और उतना कुछ ये भी नहीं हो रहा है। तो आराम से मैं आते वक्त है ना सहेलियों की बाड़ी जाके आते वक्त मैं साइकिल रेंट कर सकता हूँ, और फिर वहाँ से सीधा लेफ्ट राइट लेके सज्जनगढ़। बट फिर मेरे को रिटर्न इधर भी आना पड़ेगा साइकिल देने के लिए, तो वही मैं देखूँगा, अगर साइकिल लेके जा सकते हैं वहाँ पे तो फिर मैं साइकिल लेके जाऊँगा, वरना फिर उदयपुर का चोर बाजार। साहब बोटिंग का शॉट ही गायब है, एक भी बोट चल रही नहीं है। अगर मैं लड़की रहता था तो मैं पक्का इधर पे फोटो लेके गया रहता था, बट बहुत ऑकवर्ड लगेगा यहाँ पे फोटो लेना, और मैं लड़की हूँ नहीं वैसे। तो अभी पहली स्पीड बोट चलती हुई दिखी है मेरे को, और यहाँ पे मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। वेन यू डोंट हैव अ फ्रेंड और जब आप कुछ नहीं कर सकते, जब आप सोलो ट्रैवलर हो तो आपको ऐसे ही करना पड़ता है, ऐसे कुछ फ़ोटो लेना पड़ता है। तो मैं रख के इधर पे फ़ोटो ले रहा था ये मस्त जगह पे, और अभी पहली स्पीड बोट चलती हुई दिखी है, तो मैं फटाफट निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है लोग आना चालू हो गए। निकल तो भाई अपने को फटाफट एकदम खाली खाली में करने का और एकदम सही फीलिंग लेने का। तो अभी हम यहाँ पे जाने वाले हैं ये चुम्मा जगह पे, ये जो दिख रहा है तुम लोगों को पीछे मेरे लेक, वहाँ पे हम चलो चलो चलो, जो फोटोज भी आ गई है अच्छी अच्छी। तो मैंने पता है एक बार से वैसे सोचा था कि हाँ यार मैं उदयपुर जाऊँगा मेरे पैसे से, वो उल्टा चलता, वो लाइट इधर से आ रही ना, मैं उदयपुर जाऊँगा मेरे पैसे से और ऐसा ऐसा, और मेरे दिमाग में पता है अभी कौन सा गाना चल रहा है, क्यों आज कल नींद कब खब जाता लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। हाँ बस सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तक तो, फिलकुल और अच्छा हुआ आज मैं बराबर जल्दी से उठ गया, मतलब थोड़ा सा लेट हो गया बट फिर भी चलेगा, उतना लेट तो नहीं है, मतलब ठीक ही टाइम पे आ गए अपन। ओ स्पीड बोट अबे चली गया वो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये खारा पानी है कि नॉर्मल पानी है, मीठा पानी? हाँ मीठा पानी है। चलो यार आ जाओ यार, कोई अंकल चालू करो, खत्म करो, चलाओ फटफट, बहुत टाइम हो गया है जाने का दूसरी जगह पे भी। तो चालू कैसे होती रहेगी, चाबी तो लगी हुई है, खाली घुमाने का, और गाड़ी तो आती है अपने को अभी।
लाइफ जैकेट लेके जाना पड़ेगा। चलो चलो, सिंगल रहने के वही नुकसान आते कि वहाँ पे मेरे को आगे बैठने नहीं मिला, पीछे बैठना पड़ा। बट चलो कोई नहीं, चलता है चलता है, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है, अभी क्या ही कर सकते। ये है शायद से चेतक सर्कल, तो यहाँ पे इतना सारा खाने का स्टॉल्स है, तो चलो एटलीस्ट अच्छा है कि अपन इधर से खाते हुए जाएंगे। हाँ ये देखो, ये सर्कल है इधर पे कुछ भी। तो सहेलियों की बाड़ी यहाँ से स्ट्रेट है, और वो साइड में मेरे को वहाँ पे कुछ तो दिख रहा है, तो अगर वहाँ पे जा सकते रहेंगे, वो मंदिर है शायद से कुछ, तो अगर वहाँ पे जा सकते हैं तो मैं वहाँ पे जाऊँगा। और वो जो सज्जनगढ़ फोर्ट है वो पीछे है, और एक और एक ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर ये मंदिर कोई दिख रहा है यहाँ पे जा सकते रहेंगे तो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी बहुत तगड़ा व्यू आएगा निकलना। तो देखो ध्यान से देखोगे तो सज्जनगढ़ वहाँ पे है, और ये जो अभी मैं यहाँ पे आया हूँ ये पता नहीं कुछ तो कोई तो मंदिर है, तो अगर यहाँ पे जा सकते रहेंगे तो सहेलियों की पहाड़ी से आते आते अपन वहाँ पे भी जाएंगे। चल के मेन सीन यही है कि चल के ना बहुत सारी चीज़ें देखने मिलती है, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने मिलती है, कोई अच्छी अच्छी जगह देखने मिलती है। तो अगर कोई भी नई जगह पे आओ तो अगर इतना भी दूर दूर नहीं है, मतलब एकदम ही सन्नाटे सन्नाटे वाले रोड नहीं है, तो चल के जाना वर्थ इट है। और यहाँ पे तो लिटरली वर्थ इट है ही, क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें देखने मिलती है, पूरा कल्चर चेंज हो जाता है वो देखने मिलता है, कितने सारे लोग देखने मिलते हैं, कितने सारी खाने पीने की चीज़ें देखने मिलती है। मतलब आपको मत सिखा चल। तो हाँ, और यहाँ पे कोल्ड, यहाँ पे जो ये चेतक सर्कल क्या है ना, वहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी आती है, और वो मैंने बहुत सुना उसके बारे में, तो जाते जाते कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे जाते जाते। देखो अपने जाते जाते है ना सहेलियों की बाड़ी से, या तो फिर अभी मैं वो पहाड़ पे अगर गया तो फिर वहाँ से जाते जाते अपन खाने वाने को अपने को सब मिलने वाला है, तो एकदम चिल आउट है। और फिर मेरे ख्याल से अगर मैं इधर पर चले गया तो रोप वे अभी करने मिलेगा नहीं, तो मैं अभी मेरे को नहीं लगता है कि मेरे को लगता है अगर मेरे पास टाइम रहा, मैं एकदम एग्जॉस्ट नहीं रहा, तो मैं रोप वे कर लूँगा, बट या तो फिर इधर जाके ही। तो बेसिकली मैं जिसको पीछे चेतक सर्कल बोल रहा था, वो चेतक सर्कल यहाँ पे, तो वो चेतक सर्कल नहीं था, वो फतेह सागर लेक ही था, और सहेलियों की बाड़ी यहाँ पे। और हाँ अभी अपने को यहाँ पे ही जाने का। तो लिटरली मेरे को कभी कभी इतनी हंसी आती है ना खुद पे, क्योंकि कभी कभी मैं कोई अलग अलग ही चीज़ें कुछ भी बता देता हूँ, क्योंकि देखो यार मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो मैं फर्स्ट इंप्रेशन जो भी मेरे तरफ से आता है मैं बताना चाहता हूँ, वही मैं बताता हूँ। और अभी जो निकलता है फर्स्ट किसमें ही फर्स्ट एक्सपीरियंस वही मैं बताऊँगा, और क्या बताऊँ। तो वो चेतक सर्कल लेक था, चेतक सर्कल यहाँ से राइट है और पीछे है वो कुछ, वो फतेह सागर लेक ही था, और उसके आजू बाजू ही मतलब सब स्टॉल्स थे, तो वो सर्कल जैसे आया था मेरे को लगा चेतक सर्कल है, तो आ ही गया फाइनली। सो यप, ये है सहेलियों की बाड़ी, पहाड़ी इन द सेंस गार्डन ही होता है, तो पूरा गार्डन ही है। ओहो ब्रो सही है ना, तो बाड़ी मतलब गार्डन ही होता है आई थिंक, तो यही है सहेलियों की बाड़ी, ये पूरा है पूरा गार्डन है और एकदम मस्त है। किसी के साथ में आते थे थोड़ा सही था, बट फिर भी मेरे को एक बार देखने गया था, वन शॉट है, वन टाइम विजिट एक बार करने में क्या जाता है ना, तो एक बार देखने में क्या जाता है। तो ये है सहेलियों की बाड़ी, पूरा गार्डन, चुम्मा सा गार्डन है यार, जॉग वॉक करने के लिए तो बहुत सही है। और हाँ ठीक है, मतलब एकदम ऐसा कुछ उतना भी एकदम वाव नहीं है, वाव नहीं है, वाव नहीं है, ठीक ही है उतना कुछ ऐसा, ठीक है मतलब उतना भी 20 रुपये टिकट है, सेटिस्फाइड हूँ मैं 20 रुपये, अच्छा 100-200 रुपये नहीं है वरना सेटिस्फाइड नहीं रहता था, ठीक है, मनी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू द सेटिस्फैक्शन। तो हाँ ये ऐसा कुछ है, ये ऐसा कुछ है यहाँ पे पूरा गोल गोल सहेलियों की बाड़ी। यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे कोई फ़ोटो लेने वाला रहता तो मज़ा आ जाता था, बट चलो और अंदर भी है, यहाँ इसके अंदर, और यहाँ पे पानी पानी पानी। ओहो वो जगह बहुत सही है फ़ोटो लेने के लिए, बट कोई चाहिए यार फ़ोटो लेने वाला। तो ये है पूरा सहेलियों की बाड़ी, यहाँ से मैंने एंटर किया, ये पूरा ये इधर पे है, और यहाँ पे ऐसा बैठने का है ठंडा ठंडा, और ऊपर झाड़ वाड़ है, और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है, और बाहर गार्डन है, बस दैट्स इट, इतना ही है। मतलब फोटोज लेने के लिए ठीक है अगर कोई साथ में, तो बाकी तो ओके ओके। हमारे मतलब आपको मत सिखा। तो अब ये है अल्ट्रा गोप्रो का हैक, ये मैंने गोप्रो ट्राइपॉड पे लगाया, और ये है
और यहाँ पे ये क्या फोटोज आई है इसकी, ये साइड की बहुत तगड़ी तगड़ी फोटोज आई है। और यहाँ पे ये है पूरा लगा हुआ, और ये GoPro का हैक बहुत तगड़ा लगा मेरे को, मैं भूल ही गया था ये ट्राईपॉड पे लगाना, और अभी लगाया मैंने ट्राईपॉड पे। अभी कैमरा बीच बीच में माल फंक्शन कर रहा था, अभी तो कैमरा मैं शटर दबा रहा था, मैं शटर का बटन दबा रहा था, दब रहा ही नहीं था। मेरे को लगा कि भाई कैमरे का कुछ सीन वीन हो गया है, बट अभी चल रहा है बराबर, मैंने किया उसको बराबर से। अभी यहाँ पे वो साइड में मैंने एक फ़ोटो लिया, ये साइड में मेरे को कुछ उतना खास नहीं लग रहा है, बट ये जो ये दरवाज़ा है यहाँ पे मेरे को ऐसी फ़ोटो चाहिए सामने से, तो अभी मैं यहाँ पे ट्राईपॉड रख के फ़ोटो लूँगा। हम अलविदा कहते हैं सहेलियों की बाड़ी को, बहुत सारी, कम से कम मैं 2 घंटे से बैठा हूँ उधर और फ़ोटोज़ ही खींच रहा था। ये अकेले आने का ये एक थोड़ा ड्रॉबैक रहता है कि अकेले अपन फ़ोटोज़ वोटोज़ थोड़ा हार्ड पड़ता है, बट हो जाता है। मतलब देखो जुनून रहना चाहिए, जुनून। अभी मैं जाते वक्त देखूंगा अगर वो फोर्ट जो मेरे को दिखी थी अगर वहाँ पे ऊपर जा सकते तो ऊपर जाएंगे, या तो फिर सज्जनगढ़ का भी रास्ता वहीं से बढ़ता है, तो सनसेट होने को तो मेरे ख्याल से अभी कितना टाइम है, देखना पड़ेगा टाइमिंग। टाइम क्या हो रहा है भाई? 1:30 बजे। तो 1:30 बज रहे अभी, तो मेरे ख्याल से तो सनसेट को बहुत टाइम है, तो देखता हूँ कुछ खाता हूँ और फिर सज्जनगढ़ जाते हैं। दिस इज द करेक्ट प्लान। चलो बाय बाय सहेलियों की बाड़ी। मैं बाय बाय करना ही भूल गया था सहेलियों की बाड़ी में। तो अभी हम हैं उदयपुर के चेतक सर्कल के इधर पे, फुल बाजार है ब्रो ये, मतलब पूरा बाजार है, एकदम नॉर्मल वाशी जैसा लग रहा है मेरे को अभी। क्योंकि अगर तुम लोग उदयपुर जहाँ पे मेरा हॉस्टल है ना, वहाँ पे देखोगे सिर्फ हॉस्टल है, सिर्फ टूरिस्ट का, एकदम टूरिस्ट वाइब आएगी, और यहाँ पे एकदम लोकल वाइब आ रही है, मतलब यहाँ पे सब कुछ है। ये मेरे को एकदम इसके जैसा लग रहा है, मोहम्मद अली रोड लग रहा है, इतना भरा हुआ नहीं है बट वैसा ही लग रहा है। अभी अंडे की भुर्जी यहाँ पे मिलती है, देखते हैं, अगर मिल गई तो अच्छी बात है, मैं खास वही खाने के लिए आया हूँ। मैंने देखा था कि स्पाइसी वाली अंडे की भुर्जी बहुत तगड़ी रहती है, देखते हैं अभी मिल गई तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें अंडे भुर्जी की, एक अंडे भुर्जी की दुकान पर गया तो मैं उसको बोलता है कि हमारे तो ब्रेड का सिस्टम नहीं है, हमारे इसके पास हमारे तो ब्रेड का सिस्टम नहीं है, सिर्फ भुर्जी बना के देंगे आपको। मैं भुर्जी क्या करूँ सिर्फ, अंकल अंडा भुर्जी ब्रेड मिलेगा? हाँ ब्रेड है ना। तो हमको फाइनली मिल गया वही जो मैं ढूंढ रहा था, जो स्पाइसी वाली ढूंढ रहा था वही है, जो बॉईल करके अंडे और फिर वो स्पाइसी। तो नॉर्मल अंडे में स्पाइसी नहीं बनती? नहीं मिल जाएगी। बॉईल में कभी खाया नहीं, बॉईल में बना दो। तो अब तो ये है अंडा भुर्जी, देखते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन में। मैंने 2 दिन से अंडे नहीं खाया, तो एकदम अंडे की आदत ताज़ा हो गई, तो रोज़ अंडे चालू थे। अब हमने भुर्जी खा ली है और एक नंबर थी भुर्जी, मज़ा आ गया खा के, फुल स्पाइसी स्पाइसी। तो सुबह से मैंने 2 चीज़ें स्पाइसी स्पाइसी खाया अभी तक, वो वेज फ्राइड राइस और वो भुर्जी, वो भुर्जी क्या अभी भुर्जी खाया, बहुत सही थी भुर्जी, बहुत सही थी। तो जब आप ये सब जगहों की, मतलब आप कोई भी दूसरी सिटी जाते हो, दूसरी कंट्री जाते हो, जो ऐसे जब ऐसा रस्तों पे घूमते हो ना, तो अलग ही फीलिंग आता है एकदम, मतलब एकदम अलग ही फीलिंग आता है, एकदम एक्चुअल में ऐसा लगता है हाँ आप यहाँ पे आए हो, नहीं तो फिर वही ऑटो लो या गाड़ी से आओ। मतलब गाड़ी से ऐसा कुछ नहीं, गाड़ी से मत आओ, बट थोड़ा गली वली में घूमेंगे ना, थोड़ा सा देखेंगे भाई, फिर ऐसा सड़के वड़के लोगों को देखेंगे, यहाँ के लोग कैसा जीते, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे स्कूल वूल चालू थी मैंने देखा, कॉलेजेस भी चालू है। तो वही एक्सप्लोरर्स ट्रैवलर्स और टूरिस्ट में फ़र्क होता है, तो वही है अभी, वो हर कोई नहीं समझता है और हर किसी को नहीं समझेगा कि भाई इतना लंबा चल के जाने का, कोई बोलेगा चले यार चले जाते, घोड़े पे चले जाते, गाड़ी पे चले जाते, और उन लोग तो भाई ऑटो वाले ऐसा कन्विंस करते हैं ना, मतलब बोलते हैं अरे आ जाइए आ जाइए, अरे एक और एक फोर्ट दिखा दो, एक और एक, अरे एक दरगाह दिखा दो, अरे ये दिखा दो, बहुत सही कन्विंस करते हैं। वहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि उदयपुर में ग्रीनरी थोड़ी कम है, बड़ा हरामी हो बेटा। सो अब ये रहा फतेह सागर लेक, और बोट ने हमको यहीं से घुमाई थी, और पीछे एक्वेरियम है,
तो अभी मैं आते आते मैंने सोचा कि मैंने जो जाते जाते जो मैंने बोला था कि मैं उधर पे जाऊंगा, वो जो दिख रहा है वो छोटा सा मंदिर, और एक उधर पे है वो सज्जनगढ़ फोर्ट, तो वो फोर्ट तो वो साइड में, तो वो देखेंगे कल परसों जाएंगे। बट ये हाइट पे है और यहाँ पे मेरे को जाने, मैंने सोचा एक्वेरियम चले जाओ, बट एक्वेरियम देखता हूँ आते वक्त देखता हूँ। तो अब उदयपुर में भी ट्रैक चालू हो गया, क्या करूँ पहाड़ दिखते ना तो कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ मैं। अभी चलो ऊपर, व्यू देखो खाली ऊपर से, चुम्मो एकदम। भाई साहब यहाँ से जो व्यू दिख रहा है ना, वाह क्या व्यू आ रहा है। जितना जल्दी जल्दी तुम लोग को व्लॉग में लग रहा है ना, उतना जल्दी नहीं हो रहा है। और लिटरली अभी मेरे को पसीना आना शुरू हुआ है, और देखो तो ये रहा ऊपर से व्यू ब्रो, इतना सेटिस्फाइंग व्यू है ना कसम से, बहुत अलग लेवल है। और इस तरफ देखो ये ग्रीस दिखता है कि नहीं दिखता है, तो बताओ ये ग्रीस दिखता है कि नहीं, एकदम ग्रीस दिख रहा है। बस खाली ऊपर ऊपर नहीं है, सिर्फ नीचे ही है। सो यप कुछ ऐसा व्यू है यहाँ से, तो वहाँ पे है वो रहा ये किधर गया, कुछ दिख रहा नहीं है इधर पे, वो है सज्जनगढ़। तो मैंने तुम लोगों को जब से GoPro से दिखाया उसके बाद से मैं बहुत टाइम से बैठा हूँ, एटलीस्ट आराम से एक घंटे के ऊपर ही हो गया रहेगा, क्योंकि मैं आराम से बैठा इधर इधर, नेट भी अच्छा चल रहा था तो मैं सब मेरा कर रहा था। अभी सीधा नीचे मिलता है वो जो फालूदा है वो पीते हैं और हॉस्टल जाते हैं और भाई आराम करते। तो ये है हमारी कोल्ड कॉफ़ी।